नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइफ डॉट न्यूज। झूठे मुकदमे में समाज सेवी पंकज ठाकुर को एससी एसटी एक्ट में करना पड़ा सरेंडर, ये कहना है पंकज ठाकुर का। पंकज ठाकुर के पुत्र दीपक ठाकुर बिग बॉस के प्रतिभागी रह चुके हैं। उनका कहना है कि एससी एसटी एक्ट के हो रहे हैं दुरुपयोग, जमीनी विवाद को लेकर झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ये कहना है बॉलीवुड गायक दीपक ठाकुर के पिता पंकज ठाकुर का। दोस्तों, बीते दिन मुजफ्फरपुर के समाज सेवी तथा बॉलीवुड गायक दीपक ठाकुर के पिता पंकज ठाकुर और संजय राय के विशेष कोर्ट में सरेंडर किया है। बहरहाल विशेष कोर्ट के जज मनोज कुमार के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि पंकज ठाकुर के ग्रामीण लखिंदर राम ने जमीनी विवाद को चलते पंकज ठाकुर समेत 7 अन्य लोगों पर 8 मार्च 2018 को मुसहरी थाने में हत्या के प्रयास का आरोप तथा एससी एसटी एक्ट के तहत एक झूठा मुकदमा दायर किया गया। बहरहाल इस मामले में ग्रामीण बताते हैं कि मामला ठीक विपरीत था। लखिंदर राम तथा उसके अन्य दबंग गुंडों ने पंकज ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था, जिस दौरान पंकज ठाकुर बुरी तरह से घायल हो गए थे। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया था, परंतु उसी दौरान लखिंदर राम ने साजिश के तहत पंकज ठाकुर एवं अन्य 7 लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस मामले में कल पंकज ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ग्रामीणों ने यहां तक बताया कि जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से भी लखिंदर राम पंकज ठाकुर सहित घर वालों को धमकाते रहे हैं। पंकज ठाकुर के घर वाले का कहना है कि लखिंदर राम उनके पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि एक नज़र यदि पंकज ठाकुर के जीवन पर अगर डाला जाए तो ज्ञात होता है कि पंकज ठाकुर एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के मदद को तत्पर रहते हैं। वर्ष 2017 में जब पूरा गांव बाढ़ में डूब गया था, तब पंकज ठाकुर ने ही ग्रामीणों के मदद के लिए पहल की थी। पंकज ठाकुर बीते वर्ष उनके पुत्र दीपक ठाकुर के बिग बॉस प्रतिभागी होने के वजह से चर्चा में आए थे। बहरहाल टीवी शो के माध्यम से पंकज ठाकुर के संघर्ष की कहानी पूरे भारतवर्ष ने देखा है। मुझे उम्मीद है न्यायपालिका से जो उचित है उसकी जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।